Channel and you guys are watching Toshi Ka Channel. So जिन लोगों को मेरे videos अब तक के पसंद आ रहे हो वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं and yeah please don't forget to hit on the bell icon. So yeah please go and do it. So in today's video I am gonna tell you how to make tasty, yummy and healthy चाउमीन हेल्दी होता है क्या? आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि चाउमीन हेल्दी होता है कि नहीं। सो चाउमीन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि सबसे पहला तो वो उसमें ऑयल कम होता है, दूसरा पॉइंट उसमें मिर्च मसाला कम होता है, थर्ड पॉइंट इस उसमें इतनी सारी सब्जियां होती हैं ना कि वो हमें हमारी डेली डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। सो मेरे साथ कभी कभी क्या होता है ना कि मैं डेली वही रूटीन डिनर करके बोर हो जाती हूँ या मेरा कभी कभी खाना बनाने का मन नहीं करता है तो मैं थोड़ा चेंज चाउमीन बना लेती हूँ बिकॉज इट इज़ ईजी, सिंपल एंड क्विक टू मेक एंड टेस्टी टू। सो या आप भी ऐसा कर सकते। यार चाउमीन की इतनी बात करके ना मेरे मुँह में तो पानी आ गया है और मुझे लगता है आपके मुँह में भी आ ही गया होगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो टू द किचन एंड मेक चाउमीन। सो या कम विद मी, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम हमारे नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। आप एक पैन में पानी लेके उसमें नूडल्स डाल दें, प्लस 2 चम्मच इसमें वेजिटेबल ऑयल डालें ताकि नूडल्स एक दूसरे से चिपके ना। ये यू कैन सी हमारे नूडल्स बॉईल हो चुके हैं। मैंने इसका सारा पानी निकाल के बाहर फेंक दिया है। प्लस आप अगर चाहें तो पतला नूडल भी आता है मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। यहाँ हमने हमारी सारी वेजिटेबल्स चॉप्ड कर दी है, लाइक हमने अनियन चॉप कर दिए हैं छोटे पीसेस में, जिंजर किया है एंड गार्लिक। या इनको आप सब छोटे छोटे पीसेस में करेंगे, लेकिन जो हमारे कैप्सिकम है, हमारा कैबेज है और जो हमारे अनियंस हैं उन्हें आप लंबे लंबे शेप में कट करेंगे। एंड इसमें आप चाहे तो कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं लंबे पीसेस में। यहाँ पे सॉसेस के लिए हम वाइट विनेगर यूज़ कर रहे हैं, हमारा रेड सॉस यूज़ कर रहे हैं और सोया सॉस थोड़ा सॉल्टी होता है तो नमक आप ध्यान से डालें जब भी आप डालें। एंड लास्ट वन इज़ चिली सॉस। सो या ये रहा हमारा सारी वेजिटेबल्स एंड सॉसेस। So here I'm gonna pour some vegetable oil to the pan and I'm not using non-sticky pan because from health point of view मैं non-sticky pan avoid करती हूँ। So yeah आप चाहे तो use कर सकते हैं and आप oil आपके हिसाब से भी use add कर सकते हो, like कम तो कम use कर सकते हो। So सबसे पहले हमारा तेल गर्म हो गया है तो हम सबसे पहले उसमें जिंजर डालेंगे। जिंजर डालने के बाद we will add garlic to it and give them a good mix या ताकि जो आपका गार्लिक है वो थोड़ा पक जाए और आपको टेस्ट अच्छा लगे उसका, बिकॉज कच्चे गार्लिक मुझे कम पसंद है तो मैं थोड़ा उसको पका लेती हूँ। उसके बाद वी विल ऐड अनियंस, चॉप्ड अनियंस टू इट एंड विल गिव इट अ गुड मिक्स। या इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे हमारे चॉप्ड अनियन जो कि लॉन्ग शेप में चॉप्ड हैं उन्हें ऐड करूँगी एंड विल मिक्स इट। उसके बाद आई एम गोइंग टू ऐड कैप्सिकम एंड अगेन वी विल गिव इट अ वेरी गुड मिक्स। आप चाहे तो यहाँ पे कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं बट मेरे पास कैरेट नहीं है। कैरेट को भी आप लॉन्ग शेप में कट करें और उसको इसमें ऐड कर सकते हैं इसी समय पे। और अब मैं यहाँ पे हमारे कैबेज ऐड करूँगी एंड अगेन वी विल सॉटे इट। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, हमें इन वेजिटेबल्स को ओवरकुक नहीं करना है ताकि क्रिस्पी रहे हमारे वेजिटेबल्स। नूडल्स में जो वेजिटेबल्स होती हैं वो थोड़ी क्रिस्पी अच्छी लगती है इसलिए हम थोड़े से कच्चे रखेंगे, ओवरकुक नहीं करेंगे। आप सिर्फ इसे 5 मिनट पकाएं। इसके बाद हम हमारे जो रेडी नूडल्स थे उसको इन वेजिटेबल्स में ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये टूटे ना। इसको आराम से आप मिक्स करें। As you can see here I'm going to use soya sauce। सोया सॉस थोड़ा सॉल्टी होता है तो जब भी आप नूडल्स में सॉल्ट ऐड करेंगे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप सॉल्ट थोड़ा कम ही यूज़ करें। उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ चिली सॉस एंड चिली सॉस इज़ एन ऑप्शनल वन। आप चाहे तो इसे नहीं भी डालें या फिर जब चाउमीन पूरा रेडी हो उसके बाद आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम हमारा वाइट कुकिंग विनेगर लेंगे। अगेन जो वाइट कुकिंग विनेगर होता है वो थोड़ा खट्टा होता है तो इसे ज़्यादा ना ऐड करें। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 ढक्कन ही लिया है, 1 से 1.5 ढक्कन। सो मैंने विनेगर डाल दिया है। विनेगर के बाद अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रेड सॉस। रेड सॉस आप चाहे तो बाद में भी ऐड कर सकते हो जब आप चाउमीन को प्लेट करते हो। मैं यहाँ पहले यूज़ कर रही हूँ और कई लोग रेड सॉस खाना पसंद नहीं करते तो चाहे तो वो यूज़ ना भी करें तो भी चलेगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। आप ब्लैक पेपर को अच्छे से कूट लें, उसका पाउडर बना लें, तब आप इसमें ब्लैक पेपर डालें। नमक ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। फाइनली अवर चाउमीन इज़ रेडी टू गार्निश एंड ईट। Mixed it with some coriander leaves and red sauce, and it is really looking very yummy. I'm so excited to eat it. तो ये थी मेरी नन्ही मुन्नी सी टेस्टी टेस्टी सी छोटी मोटी सी चाउमीन रेसिपी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई हो। इसे ज़रूर ट्राई करें एंड या सिंपल टू मेक। सो या आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सो टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।